मेहंदी की रस्म शुरू करें। मुझे भी मासी का मेहंदी लगानी है। ओले मिला रसगुल्ला गुलाब जामुन आजा। अच्छा कैसी मेहंदी लगाओगे? कैट डॉग फ्लावर क्या लगाओगे? बी लिखूंगी। बी? ओह अच्छा आई मीन विक्रांत जी जो कवि। अम्मा जी आपको ना सब पता है। पर मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मा के बिना स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उनके बिना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे। प्रीति अभी आती होगी। ओके वैसे पीहू आप अपनी मम्मा को उनकी ड्रीम ड्रेस में देखने के लिए रेडी हो? नानी पता है मैं तब से ये विश कर रहा हूँ कि जैसे आज मॉम खुश है वैसे अब प्रिया मासी के लाइफ में भी खुशी आ जाए। मैं भी यही चाहती हूँ बच्चे। सारा आज ना तुम्हारा दिन है। विक्रांत से जितने काम कराने सारे के सारे करा लो। ओ ऑफ कोर्स। हाँ हाँ तो करूँगा ना मैं बिल्कुल करूँगा जो सारा कहेगी मैं करूँगा। मैडम आपके लिए कौन सा जूस लेके आऊँ? स्ट्रॉबेरी। ये आशिक गया अभी से गया। इसी बहाने ईशान को उसका गिफ्ट भी दे दूंगा। ईशान अपनी मॉम की खिदमत में क्या तुम मेरा हाथ बटाना चाहोगे? ऑफ कोर्स श्योर। आओ फिर शामिल हो जाओ। लेट्स गो। वाओ माय बॉयज। अब दी माँ आप लोग प्लीज आराम से बैठिए ना। और दी आपकी तो मेहंदी स्टार्ट। हाँ हाँ चलो चलो मैं आती हूँ। मिनिस्टर्स मीडिया और कनिका आ गया। राम भाई और प्रिया कहाँ? ओह नो सर आई गेस वो लोग अभी तक ऊपर ही है। मैं उन्हें लेके आती हूँ। तो मिनिस्टर्स को कौन हैंडल करेगा? अरे प्रेस को मैं देख लूंगा। मैत्री तुम राम और प्रिया को बुला लाओगी प्लीज? ऑफ कोर्स। वैसे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है मैं वैसे ही उनको बुला के ले आती। वेदिका तुम कनिका को हैंडल कर लेना और तुम दोनों मिनिस्टर्स को अटेंड कर लेना और साथ में उनको ये बताना मत भूलना कि आज प्रिया का सरप्राइज बर्थडे पार्टी। श्योर सर। आराम पूरा हो गया तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऐसे ही सच धज कर राम और प्रिया की मेहंदी में आओगे क्योंकि राम को जो तुम्हारे लिए करना चाहिए वो तो प्रिया के लिए कर रहा है। देखा उसने उसके लिए ड्रीम ड्रेस खरीदी और उसके बाद वो उसके लिए पार्टी थ्रो कर रहा है बर्थडे पार्टी। मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ आंटी जो आपने कहा लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक ही बार में डिसाइड करके बता दो कि करना क्या है। आप फिलहाल मुझे कनिका को अटेंड करना है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि माँ की कही वो बात सच हो गई है। पीहू पीहू बेटा आप हो क्या? बेटा प्लीज यहाँ आओ ना मामा की हेल्प करो मेरी ये डोरी फंस गई है। मुझे पता है ये ड्रेस आप लेकर आए। क्या कर रही है तू प्रिया? सो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। क्या बात है बहुत एक्साइटेड लग रही हो आज के प्लान को लेके। हाँ आज का प्लान है इतना स्पेशल। मैंने मैत्री को भेज दिया है ऊपर प्रिया को लाने बस उसके नीचे आने की देर। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि राम नीचे नहीं आ रहा था वो भी आ गया। तुम तैयार हो ना? Sorry, I didn't see. No, it's okay, darling. Oh. It's okay.
एक और पानी का ग्लास का। जाओ। मैं राम से अभी पूछती हूँ कि आखिर इसे जरूरत क्या थी प्रिया के लिए वो ड्रेस लाने की। मैंने कहा था ना प्रिया, तुम्हारे बर्थडे को यादगार मैं ही बनाऊंगी। जब तुम्हारी बहन उसी तरह सीढ़ियों से गिरेगी जैसे शिवीना गिरी थी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गुमनाम ब्लैकमेलर कितना डेंजरस है। एक दूसरे के प्यार में दिल हार के बैठे हैं दोनों, लेकिन मजाल है कि कोई अपनी हार मान जाए। मैत्री, अब तबीयत कैसी है तेरी? मैं फर्स्ट क्लास होती, आप कैसे हो? मैं? हाँ, वो पाँव में चोट लगी थी ना, अब ठीक है। स्वेलिंग भी नहीं है और पट्टी भी हट गई है। तो फिर आंखों की पट्टी कब हटाओगे, सो दैट आप अपने दिल का हाल देख सको? क्या बोल रही है? अब इतनी भी इनोसेंट मत बनो दी। आंखों देखा ना समझ पाओ, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तूने क्या देख लिया। प्यार, आप दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। इट वॉज सो ऑब्वियस थी। नहीं मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे ये लग रहा है तो आप लोगों को तो फील हो ही रहा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है मैत्री, और ना ही ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता दी? एक मिनट, अगर आप दोनों का प्यार आप दोनों को फिर से दोबारा एक साथ ले आ रहा है, तो फिर आप राम जीजू को बता सकते हो कि पीहू उनकी? प्लीज मैत्री, तुम तो बस उस कातिल को बचाने के लिए जेल गई थी, और अब तुम्हारा ये राज मुझे पता है। पर जिस दिन राम को पता चलेगा उस दिन क्या होगा? मैं खुद तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बारे में तुम्हारा सच बताऊंगी, इन सारे प्रूफ्स के साथ। तब तुम्हें भी एहसास होगा कि एक बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। सच सच बताओ, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? हमें वापस साथ लाने की प्लानिंग चल रही है क्या? क्यों, आप ऐसा नहीं चाहते? नहीं मैत्री, नहीं, प्लीज प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। मेरे 2 साल का सच पीहू को नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कभी भी आए। इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं और मिस्टर कपूर अब साथ में नहीं है, यही हमारा सच है जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम लोग भी कर लो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बट आप दोनों को ऐसे अलग देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इससे पहले भी मैं आपकी पसंद आपसे छीन चुकी हूँ। मुझे इतना वियर्ड फील होता है जब आप और राम जीजू एक साथ। मैत्री, जो तूने किया था ना, बहुत अच्छा किया था मुझसे मेरी पसंद को छीन के। तू ऐसा नहीं करती तो मुझे अपना सच्चा प्यार कैसे मिलता, मेरे प्रिंस चार्मिंग? I can't believe this. ऐसे तो ये दोनों सबके सामने आइडल कपल बन जाएंगे, और मैं सबके सामने झूठ साबित हो जाऊंगा। मैंने प्रिया को कहा था कि एक दिन उसका राजकुमार ही उसके लिए ये ड्रेस लेके आएगा। आज सच हो गई वो बात। फिर भी प्रिया खुश नहीं है, परेशान लग रही है, क्यों? ये क्या कर दिया तुमने कृष, ये बात सबके सामने नहीं बोलनी थी, स्पेशली मिसेस कपूर और शुभम के सामने। सच्ची इंसान, ये ड्रेस खड़ूस अंकल ने लाई? हाँ बेटा, देखो ना, आपकी मामा ने वो ड्रेस पहनी हुई है, जो ड्रेस आप अपनी मम्मा को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे। तो आपको तो राम को थैंक यू बोलना चाहिए ना, थैंक यू तो बनता है, नहीं? मैं तो इनसे नाराज हूँ, थैंक यू बोलू? राम सर, क्या ये बात सच है कि आप इतने बारिश में डोंबिवली गए थे वो प्रिया मैम के लिए? वो मैंने एक्चुअली बारिश से कहा था कि थोड़ा ब्रेक ले ले, लेकिन बारिश ना बीवियों की तरह होती है, सुनती नहीं है, बरस जाती है। प्रिया मैम, आपको राम सर का ये सरप्राइज कैसा लगा? मुझे लगता है पार्टी तो अभी शुरू हुई है,
हाँ थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, गेट सम स्टार्टर्स, हाँ चलिए कुछ खा लीजिए, गेट सम रिफ्रेशमेंट्स, या आइए ना प्लीज। माँ मैत्री का ख्याल रखिए, उसे ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ प्रीति? मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं ना ऊपर जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, आप मम्मा को भेज देना। हाँ ठीक है, तू जा। प्रीति अगर मैं उस वक्त नहीं रुकती तो आपकी जगह मैं और... क्या बोल रही है, ऐसे सोच भी क्यों रही है? कुछ भी मत बोल, सब ठीक है, मैं हूँ ना। हाँ कुछ नहीं होगा तुझे, चल रेस्ट कर। घबरा गई है, चल फिर चल। प्रिया का फोन तो मैत्री के पास है, कहीं ये मेरा मैसेज ना पढ़ ले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगी मैं। प्रिया थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डरी गई थी। पता है मेरी आंखों के सामने अचानक से शिवीना घूमने लगी, बट थैंक गॉड राम ने तुम्हें बचा लिया। अपना ख्याल रखना है ना। क्या ये इन दोनों ने जानबूझकर किया है? हो सकता है, शायद इसीलिए मिसेस नंदिनी कपूर ने मिस्टर कपूर को सीढ़ियों पे जाने से रोका था ताकि वो जान ना पाए कि वहां पर तेल गिरा है। मिसेस कपूर और शुभम इस हद तक गिर गए कि मैत्री के बच्चे को जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है उसे चोट पहुंचाना चाहते। पहले पीहू परेशान और अब मैत्री, एक के बाद एक सबको निशाना बनाने में लगे हैं ये दोनों। अगर आज मैत्री को कुछ हो जाता तो नहीं, इस बार मिसेस कपूर वो नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने 5 साल पहले किया था। इस बार मैं डरूंगी नहीं उनसे, बल्कि उनका सामना करूंगी, उनका मुकाबला करूंगी, मुझे करना ही होगा। मिस्टर कपूर को मुसीबत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। ये आंसू मत बहा प्रिया, मिसेस कपूर के खिलाफ सबूत ढूंढ। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि जिस फोन से तुझे धमकी दे रही है वो अपने हाथ में रखेंगी। पर एक फोन तो था उनके हाथ में, यानी दूसरा कहीं और छुपाया होगा, शायद शायद अपने कमरे में। तो फिर ढूंढ प्रिया, अगर इस सबके पीछे मिसेस कपूर है तो आज उनका सच सबके सामने लेकर आ। ले बच्चे पानी पी। थैंक्स मां। मैत्री तू यहां बैठ, मेहंदी की रस्म शुरू हो रही, मैं वहां जाती हूँ। मैं भी आती हूँ आपके साथ, मैं अकेले यहाँ। अरे वहाँ अभी कहाँ भीड़ में जाएगी तू? ठीक है मैं, मेरा मन करेगा तो मैं आती हूँ 5 मिनट। मैत्री तुम ठीक हो? मैं कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? थैंक यू सो मच, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाके ले लूंगी, बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। वैसे प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसका राम के साथ होना बहुत जरूरी है। अब मैं कॉल कर लेती हूँ उसे। कोई फायदा नहीं, दी का फोन मेरे पास है। पता नहीं मुझे उन्हें देना था बट प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो घबरा गई होगी ना जो कुछ भी हुआ उसके बाद। मैं दे दूंगी उसे फोन, तो मुझे दे दूंगा। मैत्री मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे बुलाने ही जा रही थी इसलिए कह रही हूँ। मैत्री दी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई सैंडी। प्रीति कहाँ है, आपने देखा उनको? प्रीति ना अपने कमरे में है, जा जाके मिल ले और ये ले, ये जाके प्रीति को दे दे, उनका फोन है। थैंक्स वेदिका, सैंडी प्रीति को ले आएंगी, तुम पार्टी एंजॉय करो। अगर इसने मैसेज पढ़ लिया तो ये तो सबसे पहले शुभम के पास जाएगी, इसे तो रोकना होगा। सैंडी वो शुभम इज लुकिंग फॉर यू, आई थिंक उसे प्रिया के बर्थडे सरप्राइज को लेकर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, सो तुम उसके पास चले जाओ। अच्छा पर एक्चुअली मुझे प्रीति को ये फोन देना था, एज मैत्री दी ने बोला था ना। हाँ वो फोन मैं दे दूंगी, तुम
उससे जाके मिलो प्लीज. आर यू श्योर? श्योर. ओके थैंक यू. अब इससे पहले कि किसी और के हाथ ये फोन लगे और मैं मुसीबत में आ जाऊं, मुझे वो मैसेज डिलीट करना होगा. आज के इंसिडेंट से वैसे भी प्रिया सहम गई है. मेरी मम्मा का फोन और दूसरों का फोन चेक करना बैड मैनर्स होता है. दूसरा फोन यही कहीं होगा, बस मिल जाए जल्दी. मिसेस कपूर की दवाई है, पूरा डब्बा है तो डस्टबिन में क्यों फेंका है? तो फिर ये क्या है? मुझे दवाई दी थी ना डॉक्टर साहब, प्लीज आप घबराइए मत, इंजेक्शन बेटर होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको. रिलीफ तो मुझे तब मिलता जब सच में मुझे इन दवाइयों की जरूरत होती, पर मैं तो नाटक कर रही हूँ. लेकिन उसका पता राम को नहीं चलने दे सकती मैं. मिसेस कपूर इतना घबरा क्यों रही है? शायद एंजाइटी की वजह से. नहीं नहीं, मुझे मुझे दवाई नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए. वो मैंने दवाई ले ली है, मैं थोड़े वक्त में ठीक हो जाऊंगी. यू आर नॉट वेल. अरे आप सुनिए ना डॉक्टर साहब के. हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़े. मॉम को कहना है. मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद हमेशा दवाई लूंगी राम, मैं कभी नहीं भूलूंगी. एंड आई एम रियली सॉरी राम, मेरी वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया. क्या? सब बर्बाद हो गया. क्या कह रही है मॉम? आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ है क्या? नहीं है, ये डील वील कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, यू नीड टू बी ऑल राइट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके आप प्लीज डॉक्टर साहब की बात सुनो. मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ राम, प्लीज मैं वहाँ आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी. मुझे प्लीज मेरे रूम में ले चल प्लीज. प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा. इनकी हालत से तो लग रहा है कि सच में बीमार है. क्या इन पे मेरा शक गलत है? क्या अकेले शुभम ये सब कर रहा है? सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी. नहीं नहीं प्लीज, आपको आराम की जरूरत है. इनफैक्ट डॉक्टर साहब की माननी चाहिए. आई थिंक वी शुड जस्ट कर लीजिए ना वहाँ. Yeah, I hope you understand. मॉम की तबीयत का सवाल है. हाँ हाँ, of course. आप बस प्लीज अपना ख्याल रखिए. संभाल कर. ये दवाई अब अपने पास ही रखना, यहाँ वहाँ नहीं. मॉम प्लीज संभाल कर और दवाई लेना मत भूलिएगा आगे से. हाँ कम. सो आप ठीक है ना मैम? ठीक है, बट यू गो एंड हैंडल द मीडिया प्लीज. सब सॉर्ट हो चुका है. मैंने बता दिया है कि नंदी मैम की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्रीति की बर्थडे पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी. और मेहंदी फंक्शन ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो सब चले गए. इट्स ऑल सॉर्टेड. प्लीज. या प्रीति, कृष आपका नीचे वेट कर रहा है. अच्छा पीहू, मैं कृष से मिलने जा रही हूँ, आप चलोगे? नहीं ठीक है, मैं अभी आती हूँ. ओके क्या हुआ पीहू? आप अपसेट हो गए कि मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है? 10 मिनट्स बाकी है बर्थडे स्टार्ट होने में और सब चले गए. आई नो मेरी जान, बहुत एक्साइटेड थी प्रिया के बर्थडे के लिए.
लेकिन अब नन्नी आंटी की तबीयत खराब हो गई है तो राम प्रिया का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करेगा, वो सोचेगा भी नहीं इस बारे में। अच्छा पीहू, बर्थडे में तो 24 आवर्स होते हैं ना, अगर कुछ आवर्स खराब चले भी गए तो क्या हो गया, हम बाकी के बचे आवर्स में बहुत मस्ती करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके मेरा बच्चा। क्रिश, वो अचानक मिस्टर कपूर की मॉम की तबीयत खराब हो गई इसलिए तुम्हारा बर्थडे नहीं मनेगा। और वो पीहू, वो मान गई? नहीं, मैं उसे समझा दूंगी और वो समझेगी, क्योंकि मिस्टर कपूर की मॉम की तबीयत खराब हुई है, ऐसे में हम उनसे पार्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये सेलिब्रेशन बाहर जाकर तो कर सकते हैं ना। कम ऑन प्रिया, पीहू सोचो कितनी अपसेट हो जाएगी ये सुनकर, उसको कितनी उम्मीदें थी तुम्हारे बर्थडे से। अब एक काम करते हैं, हम लोग बाहर जाके सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ हम तीनों। नहीं क्रिश, मिस्टर कपूर की मॉम की तबीयत खराब हुई है, ऐसे में हम सेलिब्रेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। किसको? किसे? राम को। तुम इतना क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? कितना कुछ तो कर चुकी उसके लिए और कितना करोगी, और एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर से निकलना ही है ना। I'm sorry, Priya, I didn't mean to hurt you, but मेरा मतलब यह था कि तुम राम और उसकी फैमिली के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में उनके लिए बहुत अहमियत है और वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बट मायने रखते हैं पर अब डर भी है, क्योंकि पीहू और मिस्टर कपूर को उस ब्लैकमेलर ने हक करते हुए देखा होगा तो पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन होगा। प्रिया, तुम उस सब के बारे में मत सोचो, तुम पीहू के बारे में सोचो, उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ जानती हूँ, पर अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें सेलिब्रेशन नहीं करना है लेकिन हम यहाँ से निकल कर सूद हाउस तो जा सकते हैं। देखो, ऐसा कहते हैं कि आज का जो दिन है ना वो अपने स्पेशल लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, चलें। पर जाने से पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि मिस्टर कपूर ठीक तो हैं? हाँ ठीक है, मैं एक बार पीहू से बात करती हूँ, पूछ लेती हूँ उसका क्या मन है। तुमने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं प्रिया, पर मैं चाहता हूँ कि आज इस एक दिन के लिए मैं तुम्हें सब भुला दूं, एज अ फ्रेंड इस बर्थडे को तुम्हारे लिए स्पेशल बना दूं। राम सर, रुकिए। मैं ठीक हूँ राम, मैं ठीक हूँ राम, प्लीज आई एम सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से उस मिनिस्टर को ऐसे ना लगे कि ये सब नाटक कर रहे हैं हम। तुम प्लीज उनसे बात करो और सिचुएशंस को संभालो प्लीज। मैं फोन कर लूंगा एंड गिव एन एक्सक्यूज फोन पर। अभी अभी जाओ, अभी जाओ राम प्लीज। ओके मॉम, आप मुझे बताओगे क्या चल रहा है? यू नो शुभ, तुम्हारे दिमाग के अलावा सब कुछ चलता है। मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ये पार्टी उन्हें नहीं दूंगी। मॉम, हमने ये सब भाई की इमेज बिल्ड करने के लिए किया था। शुभ, तेरी नजर सिर्फ राम के इमेज को बिल्ड करने पर है, लेकिन मेरी नजर उस चीज पर है जो हमारे पीठ पीछे बिल्ड हो रही है, वो है प्रिया और राम की नजदीकियां। सना हो कि राम प्रिया को शिवी की मौत के लिए माफ कर दे, या राम को पीहू का सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तमाम करे तो क्या करे, मुझे लगता है हमारे रास्ते पे आने से अच्छा कि प्रिया हमारी लाइफ में आ जाए। नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा होने कभी नहीं दूंगी। शुभ, तू सिर्फ मेरी बात सुन और वो कर जैसा मैं तुझसे कह रही हूं, ओके? कल कैसे भी करके वो इंटरव्यू करवाओ, अगर इसके लिए उस लड़की के साथ पूरी रात जगकर तैयारी भी करनी पड़े ना तो करो, क्योंकि मैं उस माँ बेटी को एक और बहाना नहीं देना चाहती इस घर में टिके रहने के लिए, समझे? Yeah. Okay. I'm on it. 5 साल के बाद भी नंदिनी कपूर ही जीतेगी, क्योंकि मेरा बेटा राम तुमसे ऊपर मुझे ही रखेगा। प्रिया सूत। अभी आपकी मम्मा कहाँ रह गई? अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ। मिस्टर क्रूस ने उनको बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज दिया, अगर ये बात हैंडसम को बोल दी तो इनको कितना बुरा लगेगा ना। क्या हुआ, कहाँ खो गई? और ये प्रिया कहाँ पे है?
आज तुम दोनों सूद गर्ल्स को हुआ क्या बेटा? मिस सूद ना बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने बोला ओके आपका बर्थडे कल मनाएंगे। अरे बेटा आपको तो पता है ना कि आपकी मम्मा को बहाने बनाने की आदत है, जब भी उनके लिए कुछ स्पेशल करो वो ऐसे ही मना कर देती है। पर आज तो उनका बर्थडे ना, सारी बातें माननी पड़ेगी। हाँ बेटा मैं जानता हूँ कि वो ये सब राम के लिए कर रही है, काश राम को भी इस बात का एहसास होता। मिस्टर खड़ूस इतने भी खड़ूस नहीं है, उन्होंने मेरी मम्मा को हैप्पी करने के लिए उनकी ड्रीम ड्रेस लाई थी। जब उनकी मम्मा पैंट हुई तो उनकी भी कितनी केयर की, हमको तो उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ना। पता बेटा आपकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपनी मम्मा की तरह बिल्कुल सच बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो मैं कल मिलता हूँ आप दोनों से, फिर हम बहुत एंजॉय करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट हैंडसम। गुड नाइट। सॉरी हैंडसम, मैंने झूठ बोला, पर मम्मा अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ बहुत खुश है। बट मैं कंफ्यूज हूँ, मम्मा मिस्टर खड़ूस के साथ कभी हैप्पी रहती है और कभी सैड, ऐसा क्यों? ओफो, आज तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, दवाई लेनी पड़ेगी, पर दवाई कहाँ है? मैंने पिल्स नहीं ली, वो शादी के स्ट्रेस में वो फंक्शन में मैं भूल गई। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है, तो मैंने पहले भी तुम्हें जरूरत ही टिश्यू अंदर से निकल गया था अक्सर। बाकी हर चीज के लिए थैंक्स, आपको ये सब करने की सच में कोई जरूरत नहीं थी। ये ड्रेस, ये सब डेकोरेशन आपने मेरे लिए किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने आपके साथ जो किया उसके बाद, तुमने कृष से शादी क्यों नहीं की है? जब तुम उसे प्यार करती थी, पीहू उसकी बच्ची है, तो अपने नाम से उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा? प्रिया, प्रिया मुझे जवाब दो, तुम उसकी क्यों नहीं हुई? आई वांट टू नो। क्योंकि मैं हमेशा से आपकी ही थी मिस्टर कपूर, आज भी हूं। कैसे कह दूं मैं ये सच आपसे, कैसे बता दूं कि पीहू कृष की नहीं आपकी बेटी है? जवाब तो मुझे प्रिया। रामजा, वो पीहू बेबी। क्या हुआ पीहू को? क्या हुआ? उन्होंने नंदिनी मैम की दवाई खा ली। क्या? कहाँ है पीहू? पीहू बच्चे? पीहू? पीहू? सो रही थी, इन्होंने मुझे उठा दिया। मतलब इसने मॉम की दवाई नहीं खाई है, नहीं तो इतनी आसानी से उठती नहीं है ऐसे। That's good, दवाई नहीं खाई है। तरुण ना यार, ये डरा दिया था इसने, पीटूंगा उसको जब मिलेगा तो। रुके ना, तरुण अंकल ने बोला कि आपने उनकी मॉम की दवाई खा ली है। हाँ, वो तो खाई थी। क्या क्या, कहाँ है दवाई दिखाओ। यही है क्या मिस्टर कपूर? ये आपकी मॉम की दवाई है, इसे कुछ हो जाएगा, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए, प्लीज। लेट्स गो। राइट, अगर कोई साइड इफेक्ट हो उससे पहले हमें पता लगाना चाहिए कि क्या है। वी शुड जस्ट टेक अ विक। एक सेकंड रुको, मैं आदि को फोन करता हूं। एक सेकंड देना प्लीज। मुंह खोलो। आदि मेरी बात सुन, हम सिटी के हॉस्पिटल लिए अभी निकल रहे हैं। नहीं, वो पीहू के लिए है, प्रिया के लिए नहीं यार, बच्ची पीहू है ना। हां, मुझे प्लीज जस्ट गेट मी अ पीडियाट्रिशियन ऑन कॉल, आई नीड इट अर्जेंटली। अरे बच्चों का डॉक्टर होता है यार, तेरे नहीं है, तुझे कैसे ब्री को बोल कर। मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने दवाई क्यों खाई? हाँ, अरे मिसूद, आप मुझे जो स्ट्रेस की गोली देते हो वो ही सेम टू सेम। नहीं बेटा, वो सेम नहीं थी। आपको अपनी दवाई चाहिए थी, आपको मुझे बोलना चाहिए था ना, खुद से क्यों खाई? आप दोनों फर्स्ट टाइम हैप्पी थे और वो मुझे अच्छा लग रहा था। बातें बाद में करते हैं, पहले अस्पताल जाते हैं। हाँ, चलो। आई विल हेल्प यू। नो, मैं गोदी में नहीं आऊंगी।
या एक सेकंड, इस पे इतना हाई डोज का असर नहीं हुआ, मैंने इसे दवाइयाँ खिला खिला के दवाइयों का आदि बना दिया। नहीं, मैं इसे मिंट की गोलियाँ देती हूँ। क्या आप मुझे बुद्धू बनाते हो? नहीं नहीं नहीं, वो स्ट्रेस की गोली होती है, लेकिन बच्चों की है ना, इसलिए मिंट फ्लेवर की। इसे छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी नॉर्मल कैसे, कोई तो साइड इफेक्ट होंगे ना अगर उसने मॉम की दवाइयाँ खाई। प्लीज चलिए हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो चलो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पर यक स्मेल आती है। पीहू चुपचाप चलो वरना हाथ पैर बांध के ले जाऊंगी हॉस्पिटल। मैं सिर्फ बात सुनने अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो। आप लोग इतनी स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पीहू को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं यार, इसने मॉम की एंटी एंग्जायटी पिल्स खा ली है, प्लीज तुम मॉम को बता देना। आई हैव टू रश। चलो चलो चलो। अमेजिंग, राम कपूर आधी रात में अपनी बीमार बेटी को लेकर पहुंचे हॉस्पिटल। देखी न्यूज, अब मीडिया इन्हें पोर्ट्रे करेगा एक जिम्मेदार और कंसर्न फादर के रूप में। दैट्स ऑल यू नीड। मुझे राम से बात करनी ही होगी, कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये तो। ये तो प्रिया का फोन है। तो क्या सोचा तुमने, मैं सबको बता दूं कि शिविना को धक्का देने वाली तुम नहीं थी, ईशान था? या फिर तुम तैयार हो चुपचाप इस घर से जाने और कभी ना लौट के आने के लिए? शिवि को धक्का शान ने दिया था, लेकिन ये कौन है? ये ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहा है? इसे कैसे पता? मैं शिवी, मेरी शिवी है। कौन है ये जो प्रिया को धमकी दे रहा है कि ईशान शिवी का कातिल है? शिवी कहाँ है? हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। लेकिन ये कौन जानता है? ये मैसेजेस मैसेजेस कौन भेज रहा है? क्या ये सच है कि मेरी शिवी को तो काफी शान में दिया था? नो नो नो, प्रिया के पहुंचने से पहले तू पहुंच, और इस डॉक्टर को जो भी करना है, उसको पैसे खिलाना है, कुछ भी करके, लेकिन उसे सच बताना नहीं चाहिए। समझा? तू जा, जा जल्दी जा। मॉम काम डाउन, आई एम एट इट। ओके सैंडी, मैं पीहू को मिल के आ रहा हूँ। प्रिया कहाँ? वो एक्चुअली प्रीति डॉक्टर के पास है, आज पीहू की रिपोर्ट आई ना अभी, तो इसलिए। कौन सा कैबिन? आप ठीक है ना? आई मीन आप अचानक से ऐसे? अरे मुझे वो बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरी वजह से पीहू ने वो दवाइयाँ खा ली, मैंने बाहर रख दी थी। मैं चाहता हूँ मैं प्रिया को सॉरी बोल दूँ। यहाँ से लेफ्ट लेके थर्ड कैबिन। ओके, आई सी यू। ये रही पीयू की ब्लड रिपोर्ट। सब कुछ नॉर्मल है ना? कुछ घबराने की बात तो नहीं है? आपने कहा था कि पीयू ने एंजाइटी पिल्स ली हैं, है ना? जी हाँ, वो नंदिनी कपूर की मेडिसिन थी, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, आप चाहे तो मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, पर प्रिया, शुभम, वो मैं राम भाई और पीहू को मिलकर आ रहा हूँ। पीहू बहुत जोर से खांस रही थी। खांस रही है? या एक मिनट रुकिए, मुझे पेशेंट देखने जाना है। लिसन, नंदिनी कपूर को बात करनी है आपसे। या अच्छा, थैंक्स। सरप्राइज क्या है ये? ना सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। मतलब मैं स्पेशल हूँ? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल। शुभम ने तो कहा था कि पीहू खांस रही है, पर ये तो ठीक लग रही है। ओके, और इसमें जो भी लिखा है ना इस कूपन में, वो तुम्हारा होगा। ये मुझे कूपन मिला, ये वाउचर्स हैं, और ये आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, और इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, मैं वो सब पूरा करूंगी। सब कुछ? तुम्हें पता है कूपन के बारे में? मम्मा भी मुझे दे रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
इसमें तो कुछ मैसेज ही नहीं लिखा है। इसमें कुछ नहीं लिखा है क्योंकि तुम्हें जो भी चाहिए ना वो तुम इसमें लिख सकती हो और तुम्हारा जीनी तुम्हारे सामने है। सच्ची? मुच्ची। क्या लिखूं? गोज अच्छा सा सोच के लिखना। ओके एक ही चांस है देख लो। मिस प्रिया रिपोर्ट्स डिस्कस कर लें। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हैव द रिपोर्ट्स कम इन। यस लकीली पिल्स इतनी हाई एमजी की नहीं थी और क्योंकि पीहू ने सिर्फ दो गोलियां खाई थी तो उससे ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बाकी हाँ हाइड्रेटेड रखने के लिए हर आधे आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए। शील बी फाइन। यार मैं एक छोटा सा यार डोंट वरी। सॉरी मिस सू। सॉरी नहीं प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। आज के बाद आप कभी भी कोई भी मेडिसिन मुझे बिना बताए नहीं खाओगे। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। पीहू हैंडसम। पीहू आप ठीक हो ना बच्चा? यू नो मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। डॉक्टर पीहू को अभी हॉस्पिटल में और रहने की जरूरत है क्या? नहीं डॉक्टर मैं पीहू को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, उसे हॉस्पिटल में नहीं रखने वाला हूँ। आपने कहा कि शी इज ऑल राइट राइट शी इज ओके। नहीं नहीं बट नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आई टेक केयर ऑफ इट। सैनी मेरी यस सर। जो भी मीटिंग्स हैं कल की सारी कैंसिल करा। ओके श्योर सर। ओके मैडम आप कल आपकी और मिस्टर खड़ूस की ना 24 घंटे के लिए डेट है, तैयार हो आप? टेंशन मत लो मॉम, डॉक्टर ने वही किया जो आप चाहती थी, हम सेफ हैं। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दो मिनट रुक जाओ प्लीज। क्या हो गया? अरे यार राम थोड़ा पेशेंस रखा कर। बेबी आ जाओ। एक सेकंड ये सब क्या हो रहा है? अंधविश्वास। रिंदा को लगता है कि पीहू को किसी की बुरी नजर लगी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। आदि की मॉम ने ये थॉट मेरे दिमाग में डाला है। किसी की नजर लग जाए ना तो हादसे होते हैं। आई नो तुम लोग ये सब नहीं मानोगे लेकिन क्या फर्क पड़ता है राम, अगर नजर उतारने से पीहू के लिए कुछ अच्छा होता है तो करने दो ना, फॉर माई ओन पीस प्लीज। प्लीज ना यार बताओ ना प्लीज। अच्छे से नजर उतारना। ओके अच्छा एक काम कर कोई मंत्र शंत्र हो तो वो भी बोल देना साथ में। राम रहने दो ना, अगर ऐसा करने से किसी के मन को शांति मिलती है तो करने दो। ओके बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर मन में शांति होगी तो ही तो समझ में आएगा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी प्रिया, मेरी लापरवाही की वजह से, उन दवाइयों की वजह से पीहू की ये हालत हुई है। I promise you, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उन दवाइयों का डोज कम था इसलिए पीहू बेबी को कुछ नहीं हुआ। वो नॉर्मल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने एंटी एंग्जायटी पिल्स ली ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिसेस नंदनी कपूर के पास प्रिस्क्रिप्शन है और वो दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग डोज है। अगर ऐसा होता तो हमें उसकी बॉडी में उसके ट्रेसेस मिलते, बट हमें जो ट्रेसेस मिले हैं वो कैल्शियम और वाइटामिन के हैं, तो इससे यही प्रूव होता है कि वो कैल्शियम और विटामिन की गोलियां थी। पर ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर, क्योंकि पीहू ने उसी बॉटल में से दवाई खाई है जिसमें से मिसेस कपूर ने खाई थी बेहोश होने के बाद। अब मैं ये नहीं जानता कि ये क्या कंफ्यूजन हुआ है, बट आई एम श्योर कि पीहू ने एंटी एंग्जायटी पिल्स नहीं लिए हैं क्योंकि उसकी हेल्दी कंडीशन इसी बात का प्रूफ है। आदि ये पकड़ो ना, कुछ काम नहीं करते हो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ओके? तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? मैं क्या कहूँ? आप कुछ मत कहिए डॉक्टर, किसी से भी नहीं। आप मुझसे झूठ बोलने को कह रही हैं? अगर मिसेस कपूर झूठ बोल रही हैं, तो वो जरूर चाहेंगी कि डॉक्टर भी उनका राज ना खोले। मैं नहीं, पर जिस इंसान ने ये गोलियां बदली हैं, वो जरूर चाहेंगे कि आप झूठ बोले और वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए डॉक्टर इस इंसान तक पहुँचने की, इसलिए प्लीज प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा
मिस्टर कपूर से भी नहीं। ठीक है, तो फिर ये बात मैं खुद तक रख लेता हूँ, और अगर कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि वो दो गोलियां हाई एमजी की नहीं थी, इसलिए असर नहीं हुआ बच्ची को। मैं राम भाई और पीयू को मिल के आ रहा हूं। पीयू बहुत जोर से खांस रही है। चले ऊपर। अरे मुझे डिसाइड भी तो करना है कूपन में क्या लिखना है। सही बात है, चलो। बट हमें जो ट्रेसेस मिले हैं वो कैल्शियम और वाइटामिन के हैं, तो इससे यही प्रूव होता है कि वो कैल्शियम और वाइटामिन की गोलियां थी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं प्रिया, मिस्टर कपूर के साथ खेल खेल रहे हैं, और तुझे सच का पता लगाना ही होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.